नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों 10th क्लास में फेल हो गए हैं, या फिर दोस्तों किसी कारणवश जो है अपना जो है एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, वैसे स्टूडेंट जो 10th क्लास में फेल हो गए हैं, या फिर दोस्तों किसी भी समस्या के कारण, किसी परेशानी के कारण अपना जो है 10th क्लास की पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं उन स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अवसर है, जो अपनी जो 10th क्लास में फेल हो गए या फिर अपना जो है 10th क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारणवश, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरह दोस्तों आप लोग भी जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं 10th क्लास में, या किसी कारणवश जो है 10th क्लास कि परीक्षा किसी भी कारण परीक्षा नहीं दे पाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से जो है आप लोग जो है मैट्रिक अपना जो 10th जो है कि 10th का जो एग्ज़ाम जो है दोस्तों आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे और 10th क्लास जो आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, मैं आप लोगों को सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों इस बार जो है 2020 में या 2020 से पहले दोस्तों क्या हो चुके हैं 10th क्लास पास नहीं कर पाए, वो जो है दोस्तों कि फेल हो गए या किसी कारणवश जो है अपना जो है 10th क्लास की परीक्षा नहीं दे पाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों उन स्टूडेंट को जो दोस्तों किसी दूसरे बोर्ड से, दोस्तों क्या है कि 10th क्लास थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं दोस्तों एक बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं बिहार ओपन बोर्ड, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों 10th क्लास फेल हो चुके हैं दोस्तों, 10th में जो है किसी कारणवश जो है अपना उत्तीर्ण नहीं हो सके, ठीक है दोस्तों, या किसी कारणवश जो है अपना 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उन बच्चों के लिए एक अवसर है दोस्तों कि वो लोग जो है अपना बिहार ओपन बोर्ड में दोस्तों क्या है कि बीबोस में दोस्तों क्या है अपना किसी भी उम्र के बच्चे, ठीक है दोस्तों, चाहे वो 30 हैं, 40 हैं, 25 हैं, या फिर दोस्तों किसी भी उम्र के बच्चे जिनका उम्र जो है 14 साल से अधिक है, वो लोग जो है अपना जो है बिहार ओपन बोर्ड में एडमिशन करवा के और अपना जो है 10th क्लास पास कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों करंट की बात मैं कह लूँगा दोस्तों 19-20 में जो दोस्तों क्या है CBSE या फिर बिहार बिहार बोर्ड में, BSAB में या किसी अन्य बोर्ड से दोस्तों क्या आ चुके हैं फेल हो गए किसी कारणवश, उनका कम मार्क्स आ गया और वो लोग चाहते हैं कि दोस्तों जो है हम एक बार दोबारा से जो है 10th का एग्ज़ाम दे दें और अपना जो है 10th क्लास जो है पास करें और आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखें। तो उन लोगों के लिए एक मौका है दोस्तों, आप लोग क्या करिए बिहार ओपन बोर्ड में जाइए और एडमिशन करवाइए। इनका जो दोस्तों ऑनलाइन भी एडमिशन होता है और आप ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, इसमें दो क्लास की जो है एडमिशन होती है, आप दो क्लास का जो है पढ़ाई कर सकते हैं, एक 10th क्लास, एक मैट्रिक हुआ और एक इंटर हुआ, ठीक है। 10th और 12th दोनों क्लास में आप लोग जो है, वैसे बच्चे तो जो दोस्तों 10th में फेल हो गए या 12th में फेल हो गए, तो दोनों क्लास का जो है आप लोग क्या कर सकते हैं एडमिशन करके आप लोग जो दोस्तों क्या है कि अपना जो है, वैसे बच्चे दो जो करेंट में फेल हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ वैसे बच्चे जो 2020 में फेल हो गए 11th या 12th में, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट जो है जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट में आप लोग डायरेक्ट, जैसे कि आप लोग मैथ में फेल हो गए तो मैथ का ही जो है आप लोग क्या करिए फॉर्म भर के आप लोग जो है दोस्तों इसी साल जो है एग्ज़ाम दे के पास कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे बच्चे जो दोस्तों क्या है कि दूसरे बोर्ड में नहीं पास हो रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, या फिर किसी कारणवश जो है अपना एग्ज़ाम जो है 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो बच्चे भी क्या है दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में अपना एडमिशन करवा के और 10th जो है आसानी से क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और आगे की अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो है दोस्तों अन्य बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड में थोड़े टफ बोर्ड होते हैं, CBSE बोर्ड वगैरह, इन बोर्ड में क्या दोस्तों उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड BBOS जो है दोस्तों क्या है इसमें थोड़ा पास करना आसान है, आसानी आसान सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है दोस्तों, आप लोग से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग जो है बढ़िया मार्क्स जो है दोस्तों इसमें अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग एक बार दोबारा से बता दूं, वैसे बच्चे जो दोस्तों किसी दूसरे बोर्ड में फेल हो गए हैं, ठीक है, या फिर उनका कम मार्क्स आ गया है, या फिर दोस्तों वो किसी कारणवश जो है अपना एग्ज़ाम जो है 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है दोस्तों, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग दोस्तों अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, अपना जो 10th का एग्ज़ाम जो है अपनी 10th की पढ़ाई जो पूरी करें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं
बिहार ओपन बोर्ड में बी बोस में आप लोग जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक टेंथ क्लास के लिए, एक ट्वेल्थ क्लास के लिए। अगर आप टेंथ में करवाना चाहते हैं तो टेंथ में कराइए, ट्वेल्थ में करवाना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में कराइए। तो ठीक है दोस्तों, वैसे बच्चे जो अन्य बोर्ड में नहीं पास कर पाते हैं तो इस बोर्ड में आकर के दोस्तों अपना जो है अच्छा आसानी से जो अच्छा मार्क्स भी लाते हैं और पास भी कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बोर्ड में जो है थोड़े आसान, अन्य बोर्ड की अपेक्षा इन बोर्ड में जो है आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों घर पे रह के भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बिहार ओपन बोर्ड में दोस्तों क्या है कि आप लोगों को स्कूल जाने की कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, आप लोग घर पे ही बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे, बस एग्ज़ाम के दिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, और इसमें सारा कुछ कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक है, स्कूल कॉलेज जाने का। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि दोस्तों अभी तक जो है टेंथ का एग्ज़ाम जो है या ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो है नहीं क्वालिफाई कर पाए, या किसी कारणवश जो उनके कम मार्क्स आ गए या वे एग्ज़ाम में जो है फेल हो गए हैं, तो उन लोगों को दोस्तों एक अवसर है। ठीक है, बिहार ओपन बोर्ड जो है, बिहार ओपन बोर्ड को जो दोस्तों बी बोस बोला जाता है, BBOSE। ठीक है दोस्तों, तो उन लोगों को जो है एक अवसर है कि आप लोग दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में क्या करिए, एडमिशन करवाइए और अपना जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और आगे की पढ़ाई जो कंटिन्यू कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर इसके बारे में कुछ हमको डिटेल में बताइए, तो दोस्तों यही है, आप लोग दोस्तों कम पैसे में, इसमें क्या है कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो होते हैं, जैसे कि उन लोगों के पास स्कूल में पैसे, CBSE में बहुत ज़्यादा पैसे लिया, अगर आप बिहार बोर्ड में भी नहीं सक्षम है पढ़ाई करने के, तो क्या दोस्तों इसमें जो है बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं। जैसे कि आप लोगों को 800-900 में एडमिशन हो जाता है, वहीं 1000-1500 में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम फॉर्म भी हो जाता है, मतलब कि 2-3 हज़ार रुपये में आप लोगों को जो है दोस्तों 10वीं और 12वीं जो है क्लास जो है कि पढ़ाई जो है पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे गरीब बच्चे जो अपना जो है पैसे के कारण जो है अपना जो है एजुकेशन जो है एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए और किसी कारणवश जो है टेंथ और ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो बच्चे जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, बिहार ओपन बोर्ड में जो दोस्तों क्या अपना एडमिशन करवा के और आसानी से जो है अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम पास करना आसान है तो दोस्तों इसकी मान्यता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्तों इसकी मान्यता है दोस्तों बोर्ड से जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है दोस्तों क्या अप्रूव्ड है, जितनी मान्यता और बोर्ड की है, जैसे कि बिहार बोर्ड की है दोस्तों या CBSE बोर्ड की है या फिर अन्य बोर्ड है दोस्तों इंडिया में, तो इसकी मान्यता, बी बोस की मान्यता उन सारे बोर्ड की मान्यता के समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, तो आप लोग जो इसे ये पास करके कोई भी आप लोगों को कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं हो पा रही होने जा रही है। ठीक है, जैसे आप लोगों को दूसरे जो बोर्ड की सर्टिफिकेट की वैल्यू है टेंथ और ट्वेल्थ की, तो इस बोर्ड की भी उतनी वैल्यू है टेंथ और ट्वेल्थ की। ठीक है दोस्तों, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं आप फंसिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोग दोस्तों टेंथ और ट्वेल्थ क्लास जो है अभी भी आप सोच रहे हैं कि दोस्तों किसी कारणवश जो है दूसरे बोर्ड में फेल हो गया और अभी भी आप लोग टेंथ और क्लास ट्वेल्थ क्लास अभी तक उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तो दोस्तों क्या है कि इस बोर्ड में आप लोग एग्ज़ाम दे के जो है अपना टेंथ और ट्वेल्थ का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सुनहरा मौका है दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि दोस्तों क्या हो सके वो भी अपना जो है टेंथ और ट्वेल्थ क्लास जो है क्वालिफाई कर सके और वो भी जो है अपना जो है साक्षरता जो होती है दोस्तों, एक तरह की दोस्तों एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन एजुकेटेड पर्सन बनना, तो आप लोग ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ दोस्तों जाते जाते कि इसमें किसी भी उम्र के जो है व्यक्ति अपना एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार में जो है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका उम्र जो है दोस्तों 30-40 हो गया, लेकिन वो लोग जो है किसी कारणवश, पैसे के अभाव के कारण या फिर किसी अन्य कारणवश जो अपना जो है टेंथ और ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, वो भी व्यक्ति जो है इसमें अपना एडमिशन करवा के अपना जो है टेंथ और ट्वेल्थ जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों अभी तक टेंथ और ट्वेल्थ जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फेल कर पाए हैं या उनका कम मार्क्स आ गया है और अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं टेंथ और ट्वेल्थ पास करने का और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने का, तो दोस्तों आप लोगों के पास सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी,
तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें, नए यूजर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मैं इसी तरह की जानकारी जो है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आप लोगों को देता रहता हूँ। तो दोस्तों क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और जानकारी को शेयर करिए ठीक है दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका लाभ उठा पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।